आई एम अक्षिता नामदेव फ्रॉम एमपी मणिपुर। सो ये फिल्म एक ऐसी स्टोरी है जो दिल से कनेक्ट होगी, भाई बहन की स्टोरी है। तो ऑब्वियसली आज के डेट पे जो चल रहा है ये एक परिवार को जोड़ने वाला ऐसी स्टोरी है। आपके साथ में और सह कलाकार कौन कौन है? मेरे डायरेक्टर हैं, जो वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और बस वही मेरे भाई हैं। और बहन एक फ्रेंड का कैरेक्टर निभा रहे हैं जो हमारे भाई साहब हैं। बहुत 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 चैलेंजिंग था, बिकॉज एक अबनॉर्मल का कैरेक्टर प्ले करना सर, यू नो व्हाट, आप समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग हो सकता है। एक अबनॉर्मल जो कुछ नहीं जानती है, वो अपने मतलब अपने आप में मस्त रहती है, बस उसको अपने आप से मतलब होता है। आप क्या करते हो कोई मतलब नहीं होता उसे किसी से, वो सिर्फ खुद से मतलब रखती है। ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले करना यू नो व्हाट कितना बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली मैंने बहुत रिसर्च किया। सबसे पहला तो मैं यूट्यूब से शुरू की थी। जब सर ने मुझे स्टोरी बताया कि आप का एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा किरदार आपको निभाना पड़ेगा, तो फिर मैं सोच भी पड़ गई कि यार मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा। पर फिर भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल करूँगी कोशिश, मैं जितना बेस्ट दे सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूँ। तो मैंने शुरू कर दिया, फिर उस पर रिसर्च करना धीरे 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 हो गया। ऐसा मैंने एक्चुअली शुरुआत में तो मैंने कुछ किए थे थोड़े छोटे मोटे काम, यू नो स्ट्रगलिंग टाइम में, तो स्ट्रगल ही किया था। बट इसके बाद में एक इन्फेंट्री किया, वो भी एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी, बट वो डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई। इन्फेंट्री किया, फिर इसके बाद मेरा सेकंड यही काम है जो निकल के आ रहा है बाहर। सब ये लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है। अब ये सब हमारी दर्शकों पे निर्भर करता है कि वो हमें कितना पसंद करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है, बिल्कुल डिफरेंट। उम्मीद करते हैं कि सबके दिलों पे छाए। बस सर मिस्टर एम के शिवाक्ष के बारे में अगर बोलें तो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत मेहनती हैं, इतनी मेहनती हैं ना कि आप समझ सकते हैं सर, कोई 100-100 घंटे कैसे खड़े हो सकता है सेट पे, 100-100 घंटे मतलब विदाउट सिटिंग, एकदम वो खड़े ही रहते हैं, खड़े रहे मतलब सिर्फ उनको काम से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वो काम में इतने पैशनेबल है ना सर कि बता नहीं सकते हैं। तो उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और खुद पे ले लेते हैं सारी चीज़ें और अपनी टीम का बड़ा ख्याल रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई ऐसा सीन आप बताना चाहेंगे जो शूटिंग के दौरान आपको काफ़ी डिफिकल्टी हुआ हो, आपको लगा कि नहीं नहीं करना चाहिए, बहुत परेशानी वाला, काफ़ी देख रहे हैं उसमें? हाँ, एक था जब सर मुझे आते हैं दूध पिलाने के लिए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लग रहा था ना कि वो बार बार मेरे से, मैं चिल्ला नहीं पा रही थी उस पर, तो वो थोड़ा सा ऐसा था कि सर के वो लगता है नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ भी थोड़ा सा नर्वस हुई थी मैं, क्यों वो, क्योंकि वो मैं उस पर नहीं जा पा रही थी और उनको जो चाहिए था, और वो ही मेरे अपोजिट थे एक्चुअली, मेरे भाई का कैरेक्टर भी उन्हीं का था। आपको क्या लगता है इस तरह की फिल्में में आप रात-रात ऊपर स्टार बन सकते हैं कि इस तरह की फिल्में स्टार में जाती हैं, अवार्ड शो में जाती हैं? सर ये तो हमारे दर्शकों पर निर्भर करता है, वो हमें स्टार बनाएंगे या फिर जैसे हम, क्योंकि हमने हमारी मेहनत की है, हमने सिर्फ कोशिश की है, आगे आप सब पे है ना। नहीं, बहुत थैंक यू।